असलकम क्लास um, आज हम लोग टॉपिक नंबर सेवन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मेथड्स फ़ॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का अच्छ, uh, का अच्छी पेशेंट केयर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है अगर हम हॉस्पिटल्स के अंदर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे तो पेशेंट केयर इम्प्रूव नहीं होगी और पेशेंट सेटिसफेक्शन इम्प्रूव नहीं होगी और पेशेंट uh, हार्म रिस्क इंक्रीज़ होता जाएगा एवंचुअली ओवर टाइम तो इसलिए क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की के ऊपर अब बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है अब सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस, इसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं और मल्टीपल हॉस्पिटल्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स की बहुत की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है सो so इसलिए अब हम ये पढ़ेंगे ताकि हम हमें पता हो कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स किस तरह से किए जाते हैं और हम किस तरह से आ, in future how can we contribute in carrying out such projects so let's uh, begin the lecture so uh, first of all learning objective the objectives of this topic are to describe the basic principles of quality improvement introduce students to the methods and uh, tools for improving the quality of healthcare so number one you should understand the basic principles behind the quality improvement and नंबर टू आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या तरीके होते हैं uh, क्या मेथड्स और टूल्स यू, यूज़ किए जाते हैं टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट नो हाउ टू यूज़ अ रेंज ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ एंड टूल्स नॉलेज रिक्वायरमेंट्स सो आज के ये चार कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को समझ आने चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर फर्स्ट ऑफ़ ऑल साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट ये क्या होती है आज हम ये पढ़ेंगे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं कौन सी ऐसे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल्स हैं जो हमें आने चाहिए ठीक है आज हम ये डिस्कस करेंगे चेंज कॉन्सेप्ट क्या होते हैं मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉमेसन ऑन क्लिनिकल केयर हाउ हाउ कैन यू वट आर द मैथज दैट यू कैन यूज़ वन एवर यू यू वॉन्ट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ हॉस्पिटल रिगार्डिंग केयर विच इज़ हैपनिंग इन हॉस्पिटल सो यू शुड नो दैट एज़ वेल साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इस साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट की की साइंस को इम्प्रूवमेंट की स्टडीज़ को uh, uh, को साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट कहते हैं जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ इतना सिंपल है आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस बेसिकली इसके चार स्टेप्स होते हैं जब भी आपने किसी सिस्टम को इम्प्रूव करना हो आपको इन चार स्टेप्स को यूज़ करना होता है और इस Uh, जब आप इन चार स्टेप्स को यूज़ करके किसी सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे तो उसको हम ये कहेंगे कि आपने साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज़ किया है एंड दिस इज़ द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज यू कैन यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर सबसे पहले अप्रिसिएशन ऑफ अ सिस्टम दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू शुड नो हाउ अ सिस्टम वर्क्स यू शुड बी यू शुड हैव अ कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम वट इज़ द सिकवेंस ऑफ इवेंट्स दैट हैपनिंग दैट आर हैपनिंग इन सिस्टम सो यू शुड अप्रिसिएशन का मतलब है आपको कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ सिस्टम हाउ इट वर्कस और क्या क्या उसके अंदर प्लान हैं क्या सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स हैं उसके पार्ट्स क्या हैं वो रन किस तरह से करता है सो वंस यू नो अस्टम वंस यू हैवे कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सिस्टम वर्क ओनली देन यू विल बी एबल टू इम्प्रूव दिस्टम सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट नंबर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएशन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिस्टम नॉर्मली किस तरह से एक्ट करता है और क्या क्या वेरिएशन हो सकती हैं एक सिस्टम के अंदर uh, कितनी डिफरेंट तरह की वेरिएशन जो हैं वो एक सिस्टम के अंदर हैं कितने टाइप्स हैं उस सिस्टम की तो so, अगर आपको ये पता होगा तो यू विल बी एबल टू फॉलो यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस मेक एन इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम नंबर थ्री थीरी ऑफ नॉलेज सो थ्योरी ऑफ नॉलेज को हम थोड़ा हम आगे जाके भी Um, इसको डिस्कस करेंगे आई uh, थिंक इसी लेक्चर के अंदर सो थ्योरी ऑफ नॉलेज का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एक्शंस हैं या जो चेंजेस आप एक सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या होगा और उसका रिज़ल्ट इम्प्रूवमेंट होगा या फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे आपको ये पता होना चाहिए और वंस आप कोई इस तरह के चेंजेस क्रिएट uh, करते हैं एक सिस्टम के अंदर उसको स्टडी करना और उससे न्यू नॉलेज को एक्वायर करना दिस दिस होल थिंग इज कॉल्ड इज थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड आई होप इसी लेक्चर के अंदर वी विल वी विल बी डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट अगैन सो फॉर नाउ ऑल यू नीड टू नो इज़ कि थ्योरी ऑफ़ नॉलेज का मतलब ये है कि जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं या कोई चेंज लेके आते हैं किसी सिस्टम के अंदर यू शुड नो कि वो चेंजेज़ हैं वो अल्टीमेटली इम्प्रूवमेंट में रिजल्ट करेंगे और लेटर ऑन वंस यू हैव डन दो चेंजेस और जब वो इम्प्रूवमेंट्स आपको नजर आ जाए आपने उनको मेजर करना है एंड यू हैव टू मेक अप न्यू प्रिंसिपल एंड न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन दोज चेंजेस बेस्ड ऑन दोज प्रिंसिपल्स सो फॉर एग्जाम्पल इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में से कोई स्टूडेंट आप आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी पढ़ाई को अपनी एकेडमिक्स को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आप अपने आप, अपने आप को अपने सिस्टम को को अंडरस्टैंड करेंगे कि आप ऑलरेडी किन किन किस प्लान के अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हैं किस प्लान के अकॉर्डिंग आप स्टडी कर रहे हैं आप सबसे पहले उसको वो पता होना ज़रूरी है आपको नंबर टू यू हैव टू अंडरस्टैंड एनी वेरिएशन कि आप उसमें क्या क्या चेंजेस लाते हैं आप वीक डेज पर कितना पढ़ते हैं आप वीकेंड्स के ऊपर कितना पढ़ते हैं और आप कितनी दफ़ा ब्रेक लेते हैं ठीक है ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ नॉलेज का ये मतलब होगा कि आप अपने पढ़ाई का जो नॉर्मल रूटीन वाला सिस्टम है उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आए आएँ और लेटर ऑन उन चेंजेस को स्टडी करें और, और ये कंक्लूजन बनाएं कि वेदर आपकी स्टडीज़ इम्प्रूव हुई हैं या नहीं हुई एंड बेस्ड ऑन दैट न्यू नॉलेज यू कैन ऑलवेज़ गो बैक अगेन और फिर आप दोबारा से कोशिश कर सकते हैं दोबारा से चेंजेस लाने की या सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश कर, कर सकते हैं नंबर फोर पॉइंट इज़ साइकोलॉजी दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट साइकोलॉजी का मतलब uh, I, यू हैव टू अंडरस्टैंड के एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल मल्टीपल डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं एंड दे आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम एंड हर uh, हर इंसान की साइकोलॉजी जो कि उस सिस्टम का पार्ट है uh, उनकी सैकोलॉजीज डिफरेंट होती हैं और वो सिस्टम के रिजल्ट uh, को इंपैक्ट करती हैं सो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू एक्नोलेज के साइकोलॉजी ऑफ डिफरेंट पीपल हु आर वर्किंग इन अस्टम Uh, they will impact the system or the product of the system so moving on uh, quality improvement models so first model that we are going that we are going to discuss is pdsa model so isko pdsa cycle b it's basically plan here you can see this is the this is the pdsa model uh, here you can see that this is प्लान डू स्टडी एंड एक्ट मॉडल हमने इसको इस तरह से फॉलो करना है सबसे पहले प्लान फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डू देन स्टडी एंड देन एक्ट सो इसको uh, ये मॉडल आप सब लोगों को आना चाहिए फॉर योर एग्ज़म्स दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल पी डी एस ए मॉडल के अंदर वी हैव टू वी हैव टू आस्क दीज क्वेश्चन वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग दिस साइकिल और दिस मॉडल वी वी हैव टू आस दिस क्वेश्चन सबसे पहले वी शुड नो ईच एंड एवरी टीम मेम्बर शुड नो वट आर वी ट्राइंग टू अकॉम्पलिश आप सबसे पहले एक टीम बनाएंगे उसका एक टीम लीडर होगा टीम के डिफरेंट मेम्बर्स होंगे उन सबको ये पता होना चाहिए कि उनका गोल क्या है और उस गोल को दे हैव टू प्रॉपरली डिफाइन द गोल बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट हाओ विल वी नो दर आर चेंजेज एन इम्प्रूवमेंट और फिर लेटर ऑन आप uh, जब भी एक प्लान बना लेंगे उसके बाद यू विल इंट्रोड्यूस सम चेंजेस आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ विल वी नो दैट आर चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि ऐसे चेंजेस बना रहे हैं जो कि अल्टीमेटली सिस्टम को और ख़राब करें सो देर देश शुड बी सम वे टू नो कि जो भी आपके चेंजेस हैं जो भी आप डिफरेंट तरह से जो आप चीज़ें कर रहे हैं सिस्टम में जो चेंजेस लेके आए हैं वो पॉजिटिव चेंजेस हैं Uh, number three the third question that you have to ask is what changes can we make that will result in an improvement so these are these are a few simple questions that you have to ask yourself a uh, model of improvement questions repeat to what are we trying to accomplish how will we know that a change is an improvement what change what change can we make that will result in an improvement so after asking these questions we have to start planning about what to do and uh, we have to plan some changes um we have to plan some changes to bring to to the system in order to improve it and then later on we have to carry out carry out those changes in the do step and then we have to study uh, the impact of our changes and we have to study whether the changes bring uh, the, whether the changes that we made they brought an improvement or whether they made the situation worse and then later on we have to draw some conclusions and then we have to um एक्ट ऑन आवर कंक्लूजन और एक्ट ऑन आवर रिज़ल्ट और फिर उसके बाद हम दोबारा से अपने आप को दोबारा से इस साइकिल में एंटर हो सकते हैं वी केन डू वी कैन परफॉर्म दिस साइकिल मल्टीपल टाइम्स सो उसके बाद जो रिजल्ट होंगे जो हमारे पास जो भी कंक्लूजनस ड्रा होंगी उनकी बेसिस पे वी केन आस्क आवर सेल्व दिस क्वेश्चन अगेन एंड दैन वी कैन लुक फॉर न्यू चेंजेस वी कैन प्लान फॉर न्यू चेंजेस एंड गो थ्रू दिस होल साइकिल अगैन और फिर इस तरह बार बार इस साइकिल को परफॉर्म करने से वी कैन इम्प्रूव दस्टम सो so, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पी साइकिल बताया हुआ है सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेप uh, होता है इसका प्लान इसमें हम डिफरेंट चेंजेस लेके आते हैं सिस्टम के अंदर यहाँ हम टेस्ट करते हैं सिस्टम को लेटर ऑन डू स्टेज के अंदर वी कैरी आउट द प्लान जो भी हमने यहाँ पे चेंजेस प्लान किए थे उनको हम यहाँ पे इन दिस स्टेप वी आर बेसिकली कैरिंग दम आउट फिर उसके बाद वी हैव टू स्टडी और वी हैव टू समराइज वट वॉज लर्न हमने जो भी uh, चेंजेज़ पे एक्ट किया है उस उसकी अब हमने समरी बनानी है कि हमने उसमें से क्या सीखा है फिर जो हम उसमें से सीखेंगे वी हैव टू एक्ट ऑन दैम डिटर्मिन वट दट चेंजेज आर टू बी मेड और फिर अल्टीमेटली अगर ये चेंजेस पॉजिटिव थे वी विल वी विल मेक दैम अ पार्ट ऑफ द प्लान सो हम फिर उसको परमानेंटली प्लान के अंदर एड कर देंगे सो मूविंग ऑन चेंज कॉन्सेप्ट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ़ द न्यू कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़ना है चेंज कॉन्सैप्ट देर जनरल आइडियाज़ इन इन लोगों ने uh, इसको डिफाइन किया था चेंज कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था सो दे आर बेसिकली जनरल आइडियाज़ विथ प्रूव एन मेरिट ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो कि ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं दे आर ट्रू एंड साउंड साइंटिफिक और लॉजिक विद साउंड साइंटिफिक और लॉजिकल फाउंडेशन ये यहाँ पर एंड नहीं आना चाहिए इट शुड बी विद सो विथ प्रूवन मैरिट एंड विद एंड विथ साउंड साइंटिफिक और लॉजिकल फाउंडेशन दैट कैन स्टिम्युलेट स्पेसिफिक आइडियाज फॉर चेंजेस दैट लीड टू इंप्रूवमेंट सो ये इस तरह के आइडियाज होते हैं जो कि ऑलरेडी प्रूवन है इनकी बड़ी साउंड साइंटिफिक बैकग्राउंड होता है दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और इन आइडियाज़ की वजह से इन चेंज कॉन्सेप्ट की वजह से फर्दर आइडियाज़ जनरेट होते हैं जो कि इंप्रूवमेंट कराते हैं सो चेंज कॉन्सेप्ट जो होते हैं uh, यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ चेंज कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो मल्टीपल सिचुएशन के अंदर हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल पुअर स्टडी हैबिट्स को अगर इम्प्रूव करना हो तो हम uh, हम कहीं और से इंस्पिरेशन ले सकते हैं किसी और की स्टडी हैबिट्स दे, देख सकते हैं आइडियाज़ वहाँ से पिक कर सकते हैं विच हैव अ स्ट्रॉग साइंटिफिक और प्रूवन बेनिफिट तो हमें पता होगा कि किसी और के लिए ज़्यादा स्टडी आवर्स जो हैं वो लेटर ऑन अच्छा रिज़ल्ट देते हैं हमें पता है ये एक प्रूवन प्रूवन बात है तो हम अपने स्टडी ऑवर्स इंप्रूव करेंगे अगर हमें अपनी पोअ स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है सो दिस इज़ वन ऑफ़ द एग्जाम्पल ऑफ द चेंज कॉन्सेप्ट इसी तरह इफ़ यू हैव इफ़ यू हैव टेंशन विद अ फैमिली मेम्बर और इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टीज एट वर्क तो हम उनको एड्रेस करने के लिए भी चेंज कॉन्सेप्ट के आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं वी कैन थिंक अबाउट वट काइंड चेंजेस वी कैन ब्रिंग टू इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप विद समन एटवर्क या फिर हमारे अगर किसी फैमिली मेम्बर के साथ कोई लड़ाई हुई हुई है तो वी विल वी विल आस्क आर सेल्स के हम इस तरह की क्या चेंजेस ला सकते हैं Uh, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा रिलेशनशिप उनके साथ इम्प्रूव हो जाए सो वी हैव टू आस्क आवर सेल्व्स वट कैन आई डू टू मेक द सिचुएशन बेटर और वट कैन आई डू टू मेक द इम्प्रूवमेंट मेक एन इम्प्रूवमेंट सो दीज काइंड आइडियाज़ एंड दीज काइंड कॉन्सेप्ट आर नोन एज चेंज कॉन्सेप्ट और आई अंडरस्टैंड कि ये जो तो टॉपिक है ये ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली जब आप इसकी एग्ज़ैम्पल्स सोचें तो आपको बहुत ही कम एग्ज़ैम्पल्स मिलती हैं और इट्स इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू टीच इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू टीच एंड इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज एज वेल लेकिन एज स्टूडेंट्स आपको ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे और प्रैक्टिकली आप हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर काम करेंगे किसी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट बनेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आएगी सो दिस इज बेसिकली दिस इज़ सम रेलीवेंट टीसर्च ऐ ऐसी रिसर्च या ऐसे ऐसे ऐसी स्टडीज़ जो अल्टीमेटली इम्प्रूवमेंट लेके आती हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं सो लेट्स मूव ऑन चेंज कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़े हैं नाइन कैटेगरीज ऑफ चेंज होती हैं हम ये इन नाइन नाइन एरियाज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट वेज अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप उसमें इंप्रूवमेंट लेके आना चाह रहे हैं तो एलिमिनेट वेस्ट वेदर दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम वेदर दैट इज़ वेस्ट ऑफ़ योर एनर्जी यू हैव टू थिंक अबाउट एलिमिनेटिंग एनी काइंड ऑफ वेस्ट दैट इज प्रेजेंट इन योर प्रोजेक्ट इम्प्रूव वर्क फ्लो तो आप अपने वर्क फ्लो फ्लो को इम्प्रूव करें ऑप्टीमाइज um, इन्वेंट्री uh, अगर इन्वेंट्री का मतलब होता है एनी अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू मे नीड ठीक है तो ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री सो आप अपनी लिस्ट को ऐसी लिस्ट को जो कि आपको चीज़ों की ज़रूरत है जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको ऑप्टिमाइज़ करें अपडेट करें ताकि आपके पास हर जो हर चीज़ अवेलेबल हो जो कि आपको चाहिए होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर सो ऑप्टिमाइज़ इन इन्वेंट्री दिस इज़ आल्सो वन ऑफ़ द गुड चेंजेस दैट यू कैन ब्रिंग टू अ प्रोजेक्ट चेंज द वर्क इन्वायॉयरमेंट अगर आप एक एक जगह पे काम करने से बोर हो गए हैं या एक जगह पे काम है अगर आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो फेवरेबल नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है या फिर आपको काम करने में मुश्किल होती है उस जगह पे तो चेंज द वर्क इन्वायरमेंट ठीक है एंड वर्क इन्वायरमेंट के अंदर आपके को वर्कर्स भी आते हैं वर्क इन्वायरमेंट के अंदर आपके मशीनरी आती है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं सो ऑल दीज कम अंडर द हेडिंग ऑफ वर्क इन्वामेंट सो यू कैन चेंज दैम एंड देन यू कैन मे बी ब्रिंग सम इम्प्रूवमेंट इन्हेंस द प्रोड्यूसर एंड कस्टमर रिलेशनशिप सो इन आवर केसेज़ We are the healthcare providers and the customer is basically the patient so we have to uh, improve the physician-patient rela relationship in order to bring a positive improvement in in uh, in patient care. Uh, manage time, don't waste time. You have to manage your time judiciously and you have to use it uh, for uh, use it on more important aspects of a project. Manage variation, A uh, system is uh, system ek always the same. इसमें मल्टीपल वेरिएशंस हो सकती हैं आपको पता होनी चाहिए कि आप आप जिस प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं जिस सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके क्या क्या वेरिएशन होती हैं और उनको मैनेज करना आपको आना चाहिए डिज़ाइन सिस्टम्स टू अवॉइड मिस्टेक्स और हमेशा सिस्टम्स को फॉलो करें ताकि आप गलतियाँ ना करें फोकस ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस एंड फोकस ऑन द काइंड ऑफ काइंड ऑफ सर्विस दैट यू आर गिवन गिविंग सो so, आप अपनी प्रोडक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ को भी ये जो कैटेगरीज ऑफ चेंज आई है इंडस्ट्रीज में भी अप्लाई होती हैं सो दैट्स वाई दे हैव रिटन प्रोडक्ट हेर सो वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर सो दिस इज़ द काइंड ऑफ सर्विस दैट वी प्रोवाइड सो वी हैव टू फोकस ऑन द पेशेंट पेशेंट केयर नेक्स्ट दे आर टू टू अदर मैथड्स दैट वी नीड टू नो अभी हम लोगों ने पी डी एस ए मॉडल पढ़ा है नेक्स्ट मॉडल जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ देट इज़ क्लिनिकल प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट इसको सी पी आई मॉडल भी कहते हैं एंड एन अदर मॉडल विच इज़ नोन एज रूट कॉज एनालिसिस सो बोथ ऑफ दीज मॉडल्स आर ऑल्सो यूज इन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स एंड दे आर वेरी इम्पोर्टेंट सो रूट कॉज एनालिसिस हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था रूट कॉज एनालिसिस के अंदर बेसिकली एडवर्स इवेंट होने के बाद जब भी कोई एडवर्स इवेंट या एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद आ, टीम टीम्स होती हैं वो बैठ के ये सोचती हैं कि वट वर द रूट बिहाइंड दैट बिहाइंड दैट इवेंट और लेटर ऑन रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है ये और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है आ, पास्ट के बारे में वो लोग सोचते हैं कि पास्ट में इस तरह की क्या गलतियाँ हुई थी कि अल्टीमेटली ये एडवर्स इवेंट हुआ है वी ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ वट हैपन सो दैट इज़ नोन एज द रूट कॉज एनालिसिस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट का मतलब का uh, इसमें हम ऐसे प्लान्स uh, बनाते हैं और हम अपनी सबसे पहले अपनी इन्वामेंट को स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम uh, आ रहा है उस प्रॉब्लम को हम uh, उसको ठीक करने के लिए हम प्लान्स बनाते हैं उन पर एक्ट करते हैं इट्स वेरी सिमिलर टू द पी डी एस एस साइकिल लेकिन इट्स इट्स डिफरेंट इन समस्पेक्ट्स सो आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैथड्स ऑफ़ इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट अब यहाँ पर आप एक इम्प्रूवमेंट प्रोसेस देख रहे हैं दिस डाइग्राम um, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लन कर देती हूँ सबसे पहले इम्प्रूवमेंट प्रोसेस के अंदर मल्टीपल फेज़ज होती हैं सो so, अब हम ये क्लिनिकल प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट पढ़ रहे हैं ठीक so, pro um, है सो इम्प्रूवमेंट प्रोसेस के अंदर या क्लिनिकल प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट के अंदर ये डिफरेंट फेजेज़ होती हैं सबसे पहले देर इज़ अ प्रोजेक्ट फेज हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कौन से प्रॉब्लम पे काम करने लगे हैं हम अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करेंगे अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे उसे आउटलाइन करेंगे वी हैव टू कम अप विद अ प्रोजेक्ट मिशन वी हैव टू कम अप विद अ प्रोजेक्ट टीम सो दिस इज़ वट इज़ हैपनिंग इन द प्रोजेक्ट फेज जब हमने प्रोजेक्ट बना लिया अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे वी हैव टू गो इन टू द डायग्नोस्टिक फेज डायग्नोस्टिक फ़ेज़ में हमने हमारी टीम टीम मीटिंग करेंगे हम और उस टीम मीटिंग के अंदर वी विल डिस्कस वट काइंड ऑफ प्रोसेस और सिस्टम वी आर गोइंग टू फॉलो वट काइंडफ़ इशूज़ वी आर गोइंग टू एड्रेस सो दिस देर इज़ बेसिकली अ कंसेपचुअल फ़्लो एंड और मे बी अ कन्सेपचुअल डिस्कशन ऑफ़ द प्रोसेस हम ब्रेन स्ट्रामिंग करते हैं डायग्नास्टिक फेज के अंदर उसके बाद हम इसमें डिफरेंट तरह के डेटाज़ को भी डिस्कस करते हैं डेटा डिस्कस करने के लिए वी वी यूज डिफरेंट मैथड्स डिफरेंट डायाग्राम्स हम लोग यूज़ करते हैं जिसके जिसके अंदर फिश बोन डायाग्राम पेरेटो चार्ट्स और रन चार्ट्स ये डिफरेंट तरह के चार्ट्स हैं जो कि यूज हो सकते हैं सो दिस इज़ ऑल हैपनिंग इन द डायग्नोस्टिक फेज अभी ये मैं आपको चार्ट्स दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये कौन से चार्ट्स चार्ट जिन, जिनकी मैं बात कर रही हूँ सो ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटिस्टिकल चार्ट आर यूज इन इन द डायग्नोस्टिक फ़ेज इसको कुछ मंथ्स लगेंगे और फिर लेटर ऑन अ फ्यू मंथ्स लेटर यू कैन यू कैन प्लान अ चेंज सो पी डी एस एस साइकिल स्टार्ट हो रहा है प्लान अ चेंज एंड देन डू इट एंड देन डू इट इन अ स्मॉल टेस्ट पहले हम उसको टेस्ट के लिए थोड़े से सैम्पल पे करेंगे या थोड़े से थोड़े से पोर्शन पर हम उसको टेस्ट करेंगे दैन वी वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स अफेक्ट एंड देन एक्ट ऑन द रिजल्ट सो दिस इज द पी डी एस पी डी एस एस साइकिल वी कैन रन दिस साइकिल मल्टीपल टाइम्स हम उसको पहले एक दफा इम्प्रूवमेंट करेंगे फिर उसके बाद मल्टीपल इम्प्रूवमेंट्स के बाद मल्टीपल टाइम्स इस साइकिल को रन करने के बाद वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द इम्पैक्ट फेज़ जिस फेज़ के अंदर ये पी डी एस साइकिल हम रन कर रहे थे इसको हम इंटरवेंशन फ़ेज कहते हैं बिकॉज वी आर डूंग सम इन दिस फेज वी आर एक्चुअली मेकिंग चेंजेस वी आर वी आर एक्चुअली स्टडियंग दो चेंजेस एंड अल्टीमेटली वी आर ड्राॅइंग कंक्लूजन्स और अब हमारे पास फेज़ फोर स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर हमारे पास इम्पैक्ट फेज है वी आर वी आर अगेन गोइंग टू यूज डिफरेंट चार्टी वी हैव टू यूज एनोटेटेड रन चार्ट Uh, यहाँ पे भी हम पेरेटो तो चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं फिश बोन डायग्राम यूज़ कर सकते हैं इम्पैक्ट फेज़ के अंदर वी वी आर गोइंग टू ड्रा कंकू ड्रा मोर कंक्लूजनस और फिर अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर पॉजिटिव एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर नेगेटिव और जो पॉजिटिव चेंजेस होंगे उनको हम सस्टेन करेंगे सस्टेन का मतलब है कि हम उनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए फॉलो करेंगे और सस्टेनिंग इम्प्रूवमेंट फेज़ हमारे पास आ जाएगा नंबर फाइव पे ऑन गोइंग मोनीटरिंग हम करेंगे कि जो हमने न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं सिस्टम के अंदर वेदर दे आर बीग फॉलोड और नॉट सो ऑन गोइंग मोनीटरिंग हम कंटिन्यूसली मोनीटर करेंगे सिस्टम को आउटकम को मोनीटर करेंगे और उससे हम फ्यूचर प्लान बनाएंगे एंड दैट्स हाउ वी विल सस्टेन और पॉजिटिव चेंजेस सो दिस दिस वॉज द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस या इसको हम कह रहे थे क्लिनिकल प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट और सी पी आई सो आईलूम आउट नाउ इंटरवेंशन फेज़ यहाँ जो अभी हमने ये वाला मॉडल देखा है इसके अंदर ये इंटरवेंशन फ़ेज़ जो थी नंबर थ्री वाली इसको अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इंटरवेंशन फ़ेज़ में हम क्या करते हैं वी आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट इंटरवेंशनस एंड वी इम्प्लीमेंट चेंजेस आइडेंटिफाइड इन द डायग्नास्टिक फ़ेज़ ये जो नंबर टू डायग्नास्टिक फ़ेज़ थी इसके अंदर से जो हमने चेंजेज़ आइडेंटिफाई किए हैं पॉजिटिव चेंजेज़ उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं सो नंबर वन वी आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन वी इम्प्लीमेंट चेंजेस आइडेंटिफाइड इन द डायग्नास्टिक फेज वी अंडरटेक वन और मोर पी डी साइकिल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे वन और मोर पी डी साइकल्स हम चाहें तो मल्टीपल साइकल्स रिपीट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन्स सो दिस इज व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंटरवेंशन फेज सो ये अगेन ये चीज़ रिपीट हुई है यहाँ पे लेट्स मूव ऑन हाउ टू यूज द पी साइकिल सो पी साइकिल को सबसे पहले uh, यूज़ प्लान टू स्टडी एक्साइक टू कंडक्ट स्मॉल स्केल टेस्ट्स हमने सबसे पहले जब प्लान बनाने होते हैं उनको स्माल स्केल पर पहले टेस्ट करना होता है फिर हमने उनको स्टडी करना होता है फिर अल्टीमेटली हमने उन जो अच्छे चेंजेस होंगे जो पॉजिटिव चेंजेज़ होंगे उनको लेके हम उन पर एक्ट करेंगे हम उन, उनको उनको बिगर प्रोजेक्ट्स के अंदर एम्प्लॉय करेंगे शुरू में वी हैव टू टेस्ट दैम ऑन स्मॉल स्केल

सो दिस इज़ वट दे आर टोकिंग अबाउट हेयर द टीम यूजेज़ एंड लिंक स्मॉल पी डी एस ए साइकिल्स एंड टिल रेडी फॉर द ब्रॉड इम्प्लीमेंटेशन सो पी डी एस ए साइकिल का हम सिंगल टेस्ट भी कर सकते हैं सिंगल चेंज को भी स्टडी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जस्ट वन चेंज आई जस्ट आई एम जस्ट स्टडिंग वन चेंज हेयर और हम मैंने एक दफ़ा पी डी एस से साइकिल रन किया कंक्लूजन बनाया फिर उस दोबारा से साइकिल रन किया कंक्लूजन बनाया दोबारा से साइकिल रन किया कंक्लूजन बनाया एंड देन दोबारा से साइकिल रन किया और फिर अल्टीमेटली एक फाइनल कंक्लूजन बनाया यह फाइनल चेंज मैंने आइडेंटिफाई किया विध रिजल्ट इन रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट सो दिस इज़ अ सिंगल टेस्ट ऑल दो यहाँ पे मल्टीपल दफ़ा मैंने साइकिल को रिपीट किया लेकिन दिस इज अ सिंगल चेंज दैट आई एम स्टडींग सो मूविंग ऑन यहाँ पर आप देख रहे हैं पी डी एस से साइकिल को मैं मल्टीपल चेंजेस को एट अ टाइम स्टडी करने के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ सिस्टम और मैं उस मल्टीपल चेंजेस एट अ टाइम स्टडी करना चाह रही हूँ तो मैं मल्टीपल पी डी एस एसकल्स रन करूँगी दिस इज टेस्ट वन विच अबाउट विच इज़ अबाउट द फर्स्ट चेंज दैट आई वॉन्ट दिस इज़ टेस्ट टू दिस इज अबाउट द सेकेंड चेंज दैर आई वॉन्ट एंड दिस इज टेस्ट थ्री विच इज अबाउट द थर्ड चेंज दैट आई वॉन्ट और फिर इन सब चेंजेस के ऊपर मैंने मल्टीपल टाइम्स पी डी एस एस साइकिल्स रन किए लेकिन मेरा आउटकम एक ही होना चाहिए मेरा गोल एक ही होना चाहिए विच इज़ uh, के मैंने uh, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना है सो so, मैं मल्टीपल चेंजेस को एट अ टाइम टेस्ट कर रही हूँ और अल्टीमेटली जो जो चेंज सबसे ज़्यादा इम्प्रूमेंट लेके आएगा मैं उसको uh, उसको सेलेक्ट करूँगी और उसको सिस्टम का पार्ट बना दूँगी सो दिस इज़ वाई आई एम रनिंग दीज मल्टीपल टेस्ट एंड आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नो दैट वी कैन रन मल्टीपल चेंजेस वी कैन रन मल्टीपल पी डी एस एस साइकल्स एट द सेम टाइम एंड वी कैन ऑल्सो टेस्ट वन सिंगल वन सिंगल चेंज इन अ सिस्टम एट द एट वन टाइम सो ये हमारी प्रेफरेंस पे है कि हम किस तरह से इनको स्टडी करना चाहते हैं इम्पैक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ नाउ ये हम कौन सी इम्पैक्ट फेज़ की बात कर रहे हैं ये जो हमने यहाँ पे इम्पैक्ट फेज़ पड़ी थी ठीक है इम्पैक्ट फेज़ या इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज जैसे कहते हैं हम इसको आगे स्टडी कर रहे हैं सो इम्पैक्ट और इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज में क्या हो रहा था मैयर द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस और इंटरवेंशन जो हमने चेंजेस किए थे उनके uh, उनके इम्पैक्ट को हमने मेजर करना है ठीक है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स होनी चाहिए हमारे पास वी हैव टू रिकॉर्ड द रिजल्ट्स वी हैव टू रिवाइज द इंटरवेंशन अगर वो इंटरवेंशन सही नहीं है या उनमें मजीद इम्प्रोवमेंट की गुंजाइश है हम उनको तो रिवाइज करेंगे एंड देन अगेन वी विल मोनिटर द इम्पैक्ट सो वट हाउ आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड द रिज़ल्ट हम उसके लिए एस पी सी चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं या हम अदर ग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स दैट वी कैन यूज़ फॉर एग्जांपल हिस्टोग्राम्स वी कैन यूज़ ऐसी हारा चार्ट्स वी कैन यूज़ एस पी सी चार्ट एस पी सी चार्ट क्या होता है एस पी सी चार्ट इज़ अटैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट ये मैथमेटिकल चार्ट होते हैं और ये अल्टीमेट ये आप लोगों के लेवल पर आपको पता होना ज़रूरी नहीं है किन चार्ट की क्या फर्दर डिटेल्स होती हैं बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो शो यू दो चार्ट इन द एंड सस्टेनिंग द इम्प्रूवमेंट फेज़ अब ये लास्ट फ़ेज़ जो थी सी पी आई मॉडल में आई गो बैक ताकि मैं आपको दिखाऊं कि मैं कौन से स्टेप की बात कर रही हूँ सस्टेनिंग इम्प्रूवमेंट फेज़ फिफ्थ फेज़ ठीक है अब हम इसको स्टडी करने लगे हैं सस्टेनिंग द इम्प्रूवमेंट फेज अब हमें पता चल गया है कि आ, के, आ, के ये वाले जो चेंजेस जो हम लेके आए थे पी डी एस ए साइकिल्स के थ्रू हमने उनको टेस्ट किया और हमें पता चल गया है कि वो पॉजिटिव हैं अब हम उनको सस्टेन करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म सिस्टम का पार्ट बन जाएं और वो आ, वो हमेशा हमेशा उनको फॉलो किया जाए तो वंस एन इंटरवेंशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड द इंटरवेंशन एंड एनी इम्प्रूवमेंट्स नीड टू बी सस्टेन्ड अगर हम उसे सस्टेन नहीं करेंगे तो इस पूरी स्टडी का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टूडेंट को लगता है कि उसने अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करना है और वो कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा तो वो तो उसकी स्टडीज़ इम्प्रूव हो जाएंगी अब नेक्स्ट स्टेप उसने क्या करना है ही हैज़ टू सस्टेन दोज चेंजेस उसने पूरा साल ज़्यादा पढ़ना है ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि वो सस्टेंड चेंज हो और अल्टीमेटली उसका कोई रिज़ल्ट उसका रिज़ल्ट अच्छा आए अगर वो एक दो दिन अच्छा पढ़े और उसकी उसकी स्टडी इंप्रूव हो जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अनलेस कि वो उसको सस्टेन चेंज बनाए उसको अपना लाइफ बनाए एंड अल्टीमेटली अल्टीमेटली ही विल गेट गुड रिज़ल्ट इसी तरह वेट लॉस की हम एग्जांपल ले लेते हैं अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी बना रहे हैं और आप उसको एक हफ़्ते के लिए हेल्दी कर रहे हैं आपको पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे लेकिन अगर आप उनको अपने लाइफस्टाइल को सस्टेन नहीं करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल को सस्टेन नहीं करेंगे और उसको छोड़ देंगे तो फिर वो जो पॉजिटिव चेंजेस थे दे विल गो बैक एंड देर विल बी नो यूज़ ऑफ ऑल द एफर्ट दैट दैट यू डिड सो इसलिए सस्टेनिंग द इम्प्रूवमेंट फेज सो इम्पॉर्टेंट अगर हम सस्टेन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वी विल लूज़ ऑल द गेन्स सो वी हैव टू सस्टेन द गेन्स सो हम वो किस तरह से करते हैं वी वी यूज स्टैंडर्डाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन मेजरमेंट एंड ट्रेनिंग सो इन प्रोसेस को पढ़ लेते हैं जो पहले से सिस्टम हम